जब आवेगा भगत सिंह त्योहार हो मेरी माँ की जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। जवाब अच्छा लगे तो भगत सिंह के नाम की तालियां जरूर बरसें, लेकिन सुनने मेरी के बाद बात सुन लीजिए। अरे देश ते जुड़ा है बहना प्यारा ये बहन मेरी क्यों घबराए यो भारत रहेगा तेरे साथ में। जब आवेगा भगत सिंह त्योहार हो वो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। भैया मैं आपसे सारी बात बताना चाहती हूं, आप तो फांसी पे झूल जाओगे परंतु आपको ये नहीं पता कि ये दिन जो एक भाई बहन का होता है रक्षाबंधन भैया दोज मैं किसके हाथ पे राखी बांधूंगी किसे अपना भाई कहूंगी। ऐसा मत करो भाई, मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन मेरी बहन जब मेरी फांसी हो जाएगी भारत आजाद हो जाएगा तो आजाद भारत में एक नारा जरूर लगेगा कि राजनीति में सुभाष चंद्र जैसा किरदार नहीं देखा। वाह। राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा, अरे इस भारत में भगत सिंह जैसा सरदार नहीं देखा नहीं देखा। पर लोगों आज विडंबना के साथ ये कहना पड़ता है, आगे की दो लाइन और कह रहा हूं बात अच्छी लगे तो आपकी ताली मिले, कि राजनीति में सुभाष चंद्र जैसा किरदार नहीं देखा और भगत सिंह जैसा दुनिया में कोई सरदार नहीं देखा। आज ऐरे गैरे नथू खैरे तंत्री बन के बैठे हैं, इन्हें जेलों में होना चाहिए जो मंत्री बन के बैठे हैं, इन्हें जेलों में होना चाहिए जो मंत्री बन के बैठे। कहे अपनी बात, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ तू फांसी पे झूलेगा जब और कुटुंब कबीला सभी के मलाल होगा। मतलब का जमाना सारा किसी के न ख्याल होगा। जीना है नहीं भैया हो जिससे देश की और कौन मेरे देश की खातर जान जो कते उसे ही कहा जा से हंसी खुशी और हंसी खुशी घर वापिस जाइए आंसू क्यों रही सके रे हंसी खुशी घर वापिस जाइए आंसू क्यों रही सके रे झिले ना किसे पे ऐसी करेगी दिन रात में। भारत रहेगा तेरे साथ में।
सरदार भगत सिंह की इस फरमाइशी रागनी पर हमारे आदरणीय बाबूजी श्री ख्याली जी पानेडा से 100 रुपए का पुरस्कार इस तरह की रागनी पर दिया है। तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। भाई भगत सिंह, कम से कम मेरा नहीं तो उस माँ का तो तुझे ध्यान हो, वो तुझसे कितना लाड करती है, कितना प्रेम करती है। क्या सपना लिए बैठी है? क्या सपना है कि जब मेरा भगत सिंह मोड़ बांध के आएगा, शादी होगी, कितने सपने, कितनी आस तुझसे लगाए बैठी है। मेरी माँ ने सोचा है कि उसके बेटे की शादी होगी, घर शादी होगी, नहीं बहू आएगी घर पे। पर तो भाई, कहना मेरी माँ विद्यावती को चरण स्पर्श करके कि तेरा भगत सिंह दुल्हन लाना ही नहीं चाहता है। क्यों भाई? क्योंकि बहन, इस समय मैं गुलामी में जी रहा हूँ, अंग्रेजों का गुलाम हूँ। शादी हो जाएगी, हम दो गुलाम हो जाएंगे, बच्चे होंगे, हम चार गुलाम हो जाएंगे। अरे भगत सिंह अपने आप को गुलाम नहीं मानता, भगत सिंह अपने आप को आजाद मानता है, तभी तो जेल के अंदर है। मैं आजाद हूं, आजाद ही इस दुनिया से जाऊंगा और आजाद ही अपने देश को करवाऊंगा। लेकिन री बहन, जिस दिन मेरे मरने से, मेरी शहादत से मेरे देश को आजादी मिलेगी, मैं तो आजाद हूं, लेकिन जिस दिन मेरा देश आजाद हो जाएगा, उस दिन ये मान लेना कि आजादी रूपक दुल्हन हिंदुस्तान की तमाम माताओं के घर में आ जाएगी, इससे बड़ी कोई दुल्हन नहीं। मेरी बात सुन ले भाई। भगत सिंह माँ बड़े बड़े दुख खाए बैठी है, बेटा बड़ा पकट जागा न्यू तेरी आस लगाए बैठी। नौ से साल गुलामी भोगी, नौ से साल गुलामी भोगी। श्री बाबूजी रावतार जी यादव सरपंच साहब, 500 रुपए पहले और 100 रुपए इस रागनी पे और देते हैं। धन्यवाद। हमारे बाबूजी रणजीत जी, उन्होंने भी 100 रुपए इस तरह की रागनी पर दिए हैं और हमारे भाई पानेड़ा बॉय, उन्होंने भी 100 रुपए इस रागनी पर दिए हैं। धन्यवाद। 900 साल गुलामी रे भोगी, सारे याद मुझे है इतिहास। ये आजादी के ढोल बजे जब पूरी हो जा मेरी आस। रे बोली बाली बहन कहानी सुनती जाइए सारी खास। बोली बाली बहन कहानी सुनती जाइए सारी खास। सिर पे उठाया कैसा भार, कद मर के चाहे वो पीना समाई मेरे काट में भारत रहेगा तेरे साथ में। भाई, मैं इतनी देर से तुझे समझा रही हूं पर शायद तुझे मेरी बात नहीं समझ में आ रही। उन अंग्रेजों से माफी मांग ले, क्षमा मांग ले, हो सकता है कि वो तेरी, तुझे जो सजा सुनाई गई है उसे माफ कर दे, वो माफ ही हो जाए, उसे माफ कर दे और हम सब बच सके। भाई मेरी बात मान ले। मौथुका से हमारे भाई पूरनमल यादव जी भगत सिंह की इस रागनी पर 100 रुपए से सम्मान करते हैं, क्योंकि भाई एक बहन के लिए सबसे पहले उसका भाई होता है और ये आजादी तो बाद में है, पहले मुझे अपना भाई चाहिए, अपना वीर चाहिए। मेरी बात सुन ले बहन। तू कहती है माफी मांग ले, सजा माफ हो जाएगी, लेकिन भगत सिंह उस रास्ते पे निकला है। दोस्तों दो लाइन कहता हूं, अच्छी लगे तो तालियां मिले कि इस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों, इस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों।
जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है और कत्ल होने से कहां तक डरे, क्योंकि कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। कहते हैं भाई कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। कहते हैं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। और भाई झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता, कि झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। मेरी बात सुन लीजिए, प्रभाती देवी, प्रभाती देवी पंच वैभव श्री भैरू राम जी बावड़ी वाले पंच साहब की तरफ से और प्रभाती देवी जी की तरफ से हम दोनों बहन भाई की राशि पर 551 रुपए दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी, इन्होंने भी 100 रुपए इस तरह की रागनी पर दिए हैं। हमारे हरि सिंह मास्टर जी धोलड़ा, उन्होंने भी 100 रुपए इस रागनी पर दिए हैं, धन्यवाद करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, माता जी को समझाना और दादा ते अंतिम पर नाम, तूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता रहे गुलाम, तूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता रहे गुलाम। और भी कुछ कहना चाहेंगे भाई? तू अपने साथ राजगुरु सुखदेव, उन्हें भी समझा दे और मेरी बात सुन ले। आखिरी बात तुझसे कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुन ले बहन। मैं इतना जरूर कहूंगा कि दोस्तों, चिड़ियों के पंजे में कभी बाज नहीं होते, चिड़ियों के पंजे में कभी बाज नहीं होते, कायर कमजोर और बुजदिलों के कभी राज नहीं होते। राज प्राप्त करने के लिए खून की नदी बहाई जाती है, नदी बहाई जाती है बहन। मेरी बात सुन ले भाई, कह दे भला क्या कहना चाहेंगे। हाकिम ने सजा सुनाई उसने मुझे मिला दो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी मेरे भाई को बचा लो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी मेरे भाई को बचा लो भाई। अरे बच्चा बच्चा
सच्चे बोले का परले तक गुणगान होगा। तेरी राखी के नेगे जोग में बहन मेरा बलिदान होगा। कहे जय करण न्यू कह दीरी तेरा बात ही हिंदुस्तान होगा। कहे जय करण न्यू कह दी तेरा बात ही हिंदुस्तान होगा। अरे सुनेगा सभी संसार हो संग में आरसी गावे सुरती लगाते दुर्गमान में मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। जोरदार ताली, जोरदार ताली, बहुत बहुत धन्यवाद।